बॉलीवुड एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग उर्फ पाखी शर्मा ने फरवरी 2016 में भोपाल बेस्ड बिजनेसमैन रमणीक शर्मा से शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बॉबी ने दिल्ली पुलिस में पति रमणीक के खिलाफ घरेलू हिंसा और अनेचुरल सेक्स का केस दर्ज कराया है। बॉबी के मुताबिक रमणीक ने उनके साथ शराब के नशे में मारपीट की और साथ ही मेरी प्रॉपर्टी और पैसा भी छीन लिया। इतना ही नहीं, वो कहता था कि मेरे हर दूसरे मर्द के साथ संबंध है। बॉबी ने कहा, मुझे इतना पीटता है कि कपड़ों में पेशाब कर देती हूँ। एक पॉपुलर अखबार से बातचीत में बॉबी डार्लिंग ने पति रमणीक पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के फौरन बाद उसने मेरे पैसे से एसयूवी खरीदी। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे अपने मुंबई वाले फ्लैट में भी पार्टनर बना लूं। इतना ही नहीं, उसने बिल्डिंग के गार्ड को मुझ पर नजर रखने के लिए पैसे भी दिए ताकि वो मेरी हर एक हरकत की जानकारी उसे देते रहें। वो हमेशा मुझ पर नजर रखता था कि मैं किससे बात कर रही हूँ, किसके साथ घूम रही हूँ। कई बार तो वो मुझे इतना मारता है कि मैं बच्चों की तरह रोती हूँ और कपड़ों में पेशाब तक कर देती हूँ। जब मैं इन बातों से तंग आ गई तो मैंने आपसी सहमति के साथ उससे तलाक लेने की बात की और कहा कि बदले में मुझे मेरा पैसा, प्रॉपर्टी और कार चाहिए, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं है और मेरे साथ मारपीट करता है। मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए और मैं उसे बेचकर वापस मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी।